स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जिस तरह पबजी, फ्री फायर, IGI, इस तरह के सारी गेम्स जो हैं वो हमारे ई स्पोर्ट्स में आते हैं। अब ई स्पोर्ट्स मैंने यूँ क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे एशिया के कल्चर में सारों में हम लोग इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, हम लोग गेम्स वगैरह क्यों खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके बेसिक यूज़ में जाएँ तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिस तरह कि हम इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, हम लोग इसको खेल के हम इसका लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और हम इसे अर्न कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स के लिए हमें एज सच कंपल्सरी नहीं ज़्यादा हूँ, हम लोगों के पास एक मोबाइल और इंटरनेट हो तो हम लोग उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। हमारे लिए इसका ये भी इशू नहीं है कि हम लोग प्रॉपरली बिल्कुल ठीक हों और फिट हों। हम डिसेबल भी हों तो हमें उसका कोई इशू नहीं, हम डिसेबल होकर भी इस चीज़ से अर्न कर सकते हैं, और अगर हम नहीं पढ़े लिखे तो भी वो चीज़ मैटर नहीं करती है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि हम अर्न कर सकते हैं। जी इसकी क्या थीम है मेरा टॉपिक का, मतलब सारी जितनी भी गेम्स है ना ऑनलाइन वो सब इसमें आ जाती हैं। खुद का भी इंटरेस्ट है ना इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा, लाइक मैं 3 ईयर से खेलती हूँ तो मुझे ये डिप्रेशन किलर है मेरे लिए। मैं पबजी खेलती हूँ बस, वो मेरा डिप्रेशन किलर है बेसिकली ना। तो ये मेरा इंटरेस्ट बोर्ड है स्टार्टअप, ये बैम्बोज, उनके जो जितने भी आर्किटेक्चर वगैरह हैं सारे, और फिर ये तकरीबन उनकी आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर मतलब रिजॉर्ट्स हैं या हट्स वगैरह तकरीबन, और ये डेवलपमेंट्स हैं सारी मतलब, और ये स्टोरी बोर्ड स्टार्ट होता है तो पहले हमारी डेवलपमेंट्स मतलब मैंने शो करवाई है, और जब वो घूम के फ्रंट की तरफ आता है वो पूरे पूरा प्रॉपर आर्किटेक्चर होता है। मैम कैसी हैं आप? ठीक है। आप सुनाएंगे। मेरे टॉपिक का नाम है पैलेस ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो मेरी इंस्पायरेशन है वो लाहौर शीश महल है, और मुगल आर्ट से मैं इंस्पायर होकर मैंने ये टॉपिक चूज किया था। और इसके पीछे की आपको एफर्ट है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगी आपको? ये हमारे पास 6 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर हमारा प्रोडक्ट पे होता है पूरा। मैम काइंडली रिव्यू दे दें कि आप नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर कैसा एक्सपीरियंस रहा फॉर डिग्री? नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एज अ डिजाइनर अच्छा है, काफ़ी यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको काफ़ी अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और काफ़ी नाम है इस यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे सीनियर जूनियर्स का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है इधर। मैम कैसी हैं आप? ठीक है। मेरा टॉपिक का नेम है क्रिएचर ऑफ डीप, इंस्पिरेशन है मेरी मेरीन लाइफ। मेरीन लाइफ में एक एलिमेंट है स्टारफिश, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए और अपने वाटर फोबिया को ओवरकम करने के लिए मैंने ये टॉपिक लिया है, जिसमें मैंने एक सोफ़ा मतलब होम टेक्सटाइल में गई हूँ, और साथ में सोफ़ा है और साथ में पैनल्स हैं। सोफ़ा भी मैंने 1x1 का वीव किया है, और साथ में एप्लिक और एम्बेलिशमेंट किया, जो कि आपको मोस्टली सोफ़ाज में नज़र नहीं आएगी एम्बेलिशमेंट, और साथ में इसमें मैंने मिरर कॉटन और फ्लेवर किया है पैनल्स में। हाँ 1 ईयर का। इसमें आप पहले आप एक आइडिया अपना सोचते हैं, थीम सोचते हैं, उसके बाद आप उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च बोर्ड बनाते हैं, रिसर्च बोर्ड के बाद आप उसका स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, डेवलपमेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक रिव्यू बन जाएगा आपके जूनियर। चीज़ें सीखने को मिली, उसके बाद जो यहाँ की डिग्री है उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, आप मतलब अब बाहर जाते हैं इसके बाद BS करने के बाद आपको फॉरन जॉब ऑफर्स होते हैं, और इसके बाद आपके मतलब एस्थेटिक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके डेवलपमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आपको इजीली जॉब मिलती है। सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक ठाक आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे थीसिस के टॉपिक का नाम है द सिटी ऑफ हेरिटेज। मैंने चिन्योट पे काम किया है क्योंकि मेरी पैदाइश चिन्योट की है, और मैं उसी चीज़ को आगे लेके चल रही थी। उधर का आर्किटेक्चर और फर्नीचर वगैरह वैसे ही बहुत फेमस है, तो उसी आर्किटेक्चर में जो बोल्ड पैटर्न्स हैं, चाहे वो गुम्बद का हो गया है, कोई भी बोल्ड पैटर्न्स, उन पर मैंने काम किया, और उसकी मदद से टेक्सटाइल को लेके टोटल प्रोडक्ट्स है मेरी, जिसमें 5 ज्वेलरीज हैं और 5 स्टॉलर हैं। स्टॉलर में मैंने सारे स्टॉलर्स को डिफरेंट टेक्निक से किया, और ज्वेलरी को ही इसी तरह डिफरेंट टेक्निक से किया, कोई भी टेक्निक एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। और ज्वेलरी में मैंने ज़्यादातर कफ के बनाए हैं, एपॉलेट्स बनाए हैं, और नेकलेस बनाया, नेकलाइंस वाली ज्वेलरी बनाई है, कॉलर ज्वेलरी बनाई है, ये 5 तरह की ज्वेलरी बनाई है। और स्टॉलर में मैंने डाई की टेक्निक, पैच वर्क, रिबन वर्क और एम्ब्रॉयडरी यूज़ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। थीम जो है वो पाकिस्तानी करेंसी है, और मैंने वॉल पैनल बनाया है, ठीक है, और वो मेरा थीम बोर्ड है। मैं मेन प्रोडक्ट वॉल पैनल है और स्टोरी बोर्ड। मैंने आर्किटेक्चर और इसके कैलीग्राफी और मोटिव से इंस्पायर होकर ये अपना थीम लिया था। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। और जिस तरह ये इतने बड़े 50 रुपये लग रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये मैं ले जाऊँ तो मैं काफ़ी कुछ खरीद सकता हूँ, काफ़ी बड़े। तो ओवरऑल सच अ नाइस वर्क, माशाल्लाह, सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम मैम।
बेसिकली मेरा थीसिस है ना वो नेचुरल डाइस पे है. मैंने नेचुरल डाइस को यूज़ किया फेल्टिंग शीट पे. मैंने रॉ वूल लेकर ना और नेचुरल डाइस निकाल के उन उस रॉ वूल को डाई किया नेचुरल डाइस से, टर्मरिक से, टी से. वो डाई करना मतलब डाई करने के बाद ना उन फाइबर्स को उसकी शीट बनाई है खुद बेड फैक्ट्री. और मैम इस पे जो आपको टाइम ड्यूरेशन लगी है आपको कितना अर्सा लगा है इसको शुरू से लेके एंडिंग फिनिशिंग तक, तो अपनी करंटली वो एफर्ट और वो टाइम ड्यूरेशन बता. जो डेवलपमेंट्स है ना वो तो हमने अपने फाइनल ईयर से स्टार्ट कर दी थी फोर्थ ईयर से, लेकिन इसकी जो मेन मेरा प्रोडक्ट है ना उसको सिक्स मंथ्स लगे हैं इसको कंप्लीट होने में. कलर्स से ठीक है, इतने वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं ये रॉयल अपने कलर्स में. तो मैंने जो काम किया ये सिंपल फैब्रिक पे प्रिंटिंग नहीं है, मैंने सरफेसेस एक्सप्लोर किए हैं. जैसे ये डोरी लगी हुई है और सामने इसका सैंपल है, ये डोरी लग के प्रिंट हुआ है. इसी तरह ये जैसे ऊपर कोरा लगा ये कोरा लग के प्रिंट हुआ है. ठीक है, इसी तरह ये प्रिंटिंग की टेक्निक से इवन मैंने टिच बटन्स पे प्रिंट कराया, ये अभी तक मार्केट में नहीं है. और वो मैंने शीशा बटन है उस पर प्रिंट कराया हुआ है. और उसके बाद मैंने इस लूम पे काम किया है. पहले बेसिकली काम होता आ रहा था वूल के साथ इस तरह का, और ये बाहर होता है यहाँ पर नहीं हो रहा था. तो मैंने इसके अंदर मटेरियल एक्सचेंज किया, मैंने एम्बेलिश मटेरियल यूज़ किया, मैंने रिबन्स यूज़ किए हैं, मैंने लेसेस यूज़ किए हैं, वीव्स बनाई है. इसमें आप ना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब इसकी जो है विड्थ और लेंथ छोटी हो सकती है. इवन मैंने कुशन्स पे लगाया, आप किसी भी डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो. टॉपिक है, टाइटल है वो स्टेप्स ब्लूम्स है. ठीक है, और इंस्पिरेशन है मेरी फ्लावर्स. मैंने इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके जो वो डेनम के ऊपर मैंने काम किया, जो टेक्निक है वो शिशको एम्ब्रॉयडरी की है. उसके शिशको एम्ब्रॉयडरी जो कि ये आप लोग देख रहे हैं शिशको एम्ब्रॉयडरी की. ठीक है, उसके अलावा मैंने इसके अंदर रिसाइकलिंग की है, जो कि डेनम है ना उसको वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको मैंने यूटिलाइज करके ये काम किया. ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन ऐड किया जो कि डिटैचेबल है. डिटैचेबल जो बाजू है ना वो उतर सकते हैं और हम जो है वो लगा सकते हैं. ये कोट है, कोट के जब बाजू उतारेंगे तो वो हमारा बास्केट बन जाएगी, वेस्ट कोट बन जाएगी. ठीक है, इसके अंदर मैंने फ्लावर्स जो हैं वो भी डिटैचेबल हैं, उतार भी सकते हैं हम, लगा भी सकते हैं. मैंने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके बनाया. ये फ्रेम सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क्स हैं, वो स्टिच एंड स्लैश है. स्टिच एंड स्लैश मैंने इस बेस पे बनाई थी कि लोग जो होते पैंट्स होते हैं वो उनमें कट वगैरह अक्सर पैंट्स में होती हैं, तो उनको भी हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के साथ यूटिलाइज करके उसमें पैटर्न के साथ कट कट कर. सर और टाइम ड्यूरेशन कितनी लगी, लाइक आपने इसमें क्या फर्स्ट ईयर से सोचना शुरू कर दिया था इस बारे में? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा इसमें. ये कि टाइम ड्यूरेशन लगती है, जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इस पर टाइम लगा. पब्लिक स्कूल, ये मतलब कि ये मैं टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सारे पाकिस्तान का ब्लैक हिस्ट्री का ब्लैक डे कहलाता है. तो मैंने इसलिए की कि मैं इस टॉपिक को दूँ, मैं इसको प्रेजेंट करूँ ताकि मतलब कि मेरी तरह से देख के मेरे आने वाले जूनियर्स वो इसको मोटिवेशनल होकर वो इस पर काम करें. मैंने स्ट्रॉव्यू वर्ल्ड यूज़ किया है. जिस तरह ये है कि मैं मतलब इस चीज़ को रोकना चाह रहा हूँ, ये चीज़ बहुत बुरी थी. लेकिन वो चाहे हमारा थीसिस हो, चाहे वो हमारा फंक्शन हो, चाहे हमारा जो कुछ मर्जी हो, हम किसी मौके पर उसको बोलने वाले नहीं हैं. मेरे साथ ही मेरे बैचमेट फैशन डिजाइनिंग के रिव्यू लूंगा. जैसा आपने सीनियर्स का काम देखा तो इनको कैसा लगा और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या था? पहला थीसिस था जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इनोवेशन अभी हो सकती है. तो अभी आप पे भी ये वक्त आएगा तो इंशाल्लाह कोशिश तो आएगा कुछ इनोवेशन लेके आए. अब आगे देखिए क्या होता है. बिलाल भाई आप सेंट PIFD भी विजिट की है, उनसे मैं आपके पूछ लेता हूँ तो उस हिसाब से आप बता देंगे किस तरह से. बेसिकली मैं PIFD का विजिट भी करके आया था, उनका भी मैंने देखा था थीसिस, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी भी किसी से कम नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो विजिट किया है और हमारे सीनियर्स का जो काम है माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और पता चल रहा है कि काम हुआ हुआ है. PIFD का जैसा मर्जी काम हो टेक्सटाइल के काम में NTU का मुकाबला है. टेक्सटाइल का काम बहुत देखा है पर मैं देखे कह रही थी वो चीज़ ही नहीं है जो NTU के टेक्सटाइल के काम में आती है ना, वो PIFD के काम में नहीं. उनका फैशन का काम बहुत अच्छा है लेकिन NTU का टेक्सटाइल का काम अनबीटेबल. फैशन का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. इंशाल्लाह फैशन का भी बेहतरीन होगा, देखने वाला होगा. बिल्कुल ही बड़ा अच्छा था जी, वो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा था. और मैं तो हर जगह NTU की तारीफें करता रहता हूँ, मुझे तो बस मौका चाहिए होता है और मैं तारीफें शुरू कर देता हूँ. है ही बहुत मजे की चीज़. ऐसे ही है ऐसे. थैंक यू सो मच.